गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओवरनाइट ब्यूटी हैक्स के बारे में। मतलब ओवरनाइट हम रातों ही रात में अपनी ब्यूटी को किस तरह से निखार सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगी, कुछ मैं आपको यहाँ पे रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड गाइज, ये जो ब्यूटी हैक है वो ओनली गर्ल्स के लिए है। जब भी आप रात में सो रही होती हैं तब ये समय आपकी स्किन और आपके बालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि रात में हमारी स्किन और हमारे हेयर्स जो होते हैं वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो अगर हम उनमें कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ करके सोए जिससे हमारे ब्यूटी और ज़्यादा निखर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए गाइस, अब जानते हैं किस तरह से हमें ओवरनाइट में ही अपनी ब्यूटीज़ को निखारना है। गाइस, सबसे पहला हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है एंकने ट्रीटमेंट। ओवरनाइट में ही हम हमारे एक्ने को एकदम से गायब कर सकते हैं। कुछ समय लगेगा, अगर आपके एक्ने बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं तो आपको थोड़ा समय लग सकता है एक्ने को मिटाने के लिए। जैसे गाइस, जब बात आती है एंकने और मुहासों की तो हर लड़की इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के बारे में सोच रही है। आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। एंकने ठीक करने के लिए आप ओवरनाइट मास्क तैयार कर सकती हैं। ओके गाइस, तो मास्क तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे एक बाउल लेना है। बाउल में आपको डालना है 3 से 4 चम्मच एलोवेरा का जेल। इसके साथ ही गाइस, आप यहाँ पे टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो। अगर आप एसेंशियल ऑयल इसमें यूज़ कर रहे हो तो आपको डालना है यहाँ पे 2 से 3 बूंद। सिर्फ 2 से 3 बूंद ही डालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। या फिर गाइस, अगर आप एसेंशियल ऑयल नहीं डालना चाहते हो तो आप कोई भी अपना पसंदीदा ऑयल डाल सकते हो। जैसे कि कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, आप जैतून का तेल डाल सकते हो, ऐसे कोई भी एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हो। गाइस, आपको क्या करना है, इन्हें अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। ओके, मिक्स करने के बाद गाइस आपको ओवरनाइट के लिए इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और ऐसे ही छोड़ देना है। अप्लाई करने से पहले गाइस आप अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, फेस वॉश से वॉश कीजिए, फिर टोनिंग कीजिए। ऐसे आपको अच्छे से अपने डीप क्लीन कर लेना है। बाद गाइस आपको अपना फेस अगली सुबह एकदम ठंडे पानी से धो लेना है। नॉर्मल वाटर से, जैसे हम सुबह उठ करके पानी से फेस को वॉश करते हैं, ठीक वैसे ही आपको कर लेना है। ऐसे ही आपको कुछ दिनों तक रेगुलरली ये प्रोसेस को लेना है। अगर आप इसे कम से कम 1 महीना रोज़ फॉलो कर लेंगे सो गाइस, आप रिज़ल्ट खुद अपने आप देखोगे कि आपके जो एंकने हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गायब होना शुरू हो गए हैं। अब गाइस, हम सेकेंड ब्यूटी की बात कर लें तो एड़ियाँ, जैसे आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, फटी एड़ियाँ भी कई तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेती हैं। अगर हम ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन हमारे पैर बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं, हमारी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट रही हैं, पैर अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं वो ब्यूटी को कम कर देता है। गाइस, एड़ियों को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे एक शिया बटर लेना है और एलोवेरा जेल लेना है। आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। बटर आप कोई भी लोगे तो भी चलेगा। आप अमूल का बटर ले लीजिए या कोई भी दूसरी कंपनी का बटर ले लीजिए, आपके लिए दोनों ही। गाइस, आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। लेकिन गाइस, मिक्स करने से पहले मैंने आपको यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताया है, तो क्वांटिटी आपको कितनी कितनी लेना है। 2 चम्मच आपको लेना है यहाँ पे शिया बटर और 3 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल। एक साथ आप अच्छे से मिला करके इसे रात भर एड़ियों में लगा रहने दीजिए। और फिर इसके बाद गाइस, अगली सुबह आप अपने पैरों को अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आप खुद ही देखोगे तो बहुत जल्दी अपनी जो एड़ियां हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन बनी रहेंगी। ओके गाइस, तो अब हम थर्ड नंबर की ब्यूटी पे चलते हैं। तो जान लेते हैं कैसे पाएंगे हम हमारी ग्लोइंग स्किन। सो गाइस, ग्लोइंग स्किन पाने के लिए यहाँ पे आपको एक बाउल लेना है। बाउल में गाइस आपको 4 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है और यहाँ पे आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच जोजोबो का ऑयल या फिर आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको लेना है लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आता है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। और आपको यहाँ पे लेना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। आपको इन्हें अच्छे से मिक्सअप करना है और इस
जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो आपको अपने चेहरे पर तब तक मालिश करना है जब तक कि आपकी स्किन में ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। एंड इस मिश्रण की गाइस एक ख़ास बात यह है कि आप इसे स्टोर कर कर भी रख सकते हो, आप इसे रोज़ यूज़ कर सकते हो, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके गाइस, तो आगे और बात कर लेते हैं। तो एक और ब्यूटी है जो कि घने बालों का ट्रीटमेंट है। ब्यूटी को निखारने के लिए हमारे बाल भी उतने ही सुंदर दिखने चाहिए जितने कि हमारा फेस। हमारे बाल गाइस जितने ज़्यादा घने होंगे दिखने में उतने ही सुंदर होंगे। तो अगर आपके बाल घने नहीं हैं, आप अपने बालों को घना बनाना चाहते हैं, तो बालों को घना बनाने के लिए यहाँ पे आपको 1/4 कप एलोवेरा का जेल लेना है। गाइस बालों के लिए एलोवेरा जेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए आप अपने बालों के अकॉर्डिंग एलोवेरा जेल को ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमें लेना है थोड़ा अपना मनपसंद का आप तेल ले लीजिए, जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिए। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ही लूँगी। यहाँ पे 10 बूंदे आपको ले लेना है तेल की। अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद गाइस आपको इसमें 1 कप प्याज का रस मिलाना है। हम अच्छे से यहाँ पे 1 कप प्याज का रस मिला लेंगे। प्याज के रस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसे आपको रात भर अपने बालों में लगे रहना देना है और अपने तौलिए से अपने बालों को ढक लेना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सो जाएंगे तो जो भी हमने लगाया हुआ है वो सब हमारे पिलो पर आ जाएगा, इसलिए पिलो गंदा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने कोई भी कॉटन के कपड़े से या फिर कोई भी तौलिए से आप अपने बालों को कवर कर लीजिए। एंड गाइस आपको यहाँ पे अगली सुबह गुनगुने पानी से या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है, क्योंकि प्याज के रस की स्मेल बहुत ज़्यादा ही होती है, हमें उसकी स्मेल को निकालना है। इसलिए आप कोई भी शैम्पू जो यूज़ करते हैं उससे भी आप अपने बालों को धो सकती हैं। ओके गाइस, तो लास्ट वन ब्यूटी हैक है घनी भौं के लिए। किसी किसी के गाइस आईब्रोज होती नहीं है, उन्हें ज़्यादा बढ़ाना होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ब्यूटी को कम कर देता है। तो अगर आपको अपनी आईब्रोज को बहुत ज़्यादा घना बनाना है तो आपको यहाँ पे गाइस घनी आईब्रो के लिए आपको यहाँ पे ओवरनाइट ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो ये होगा नहीं। आपको क्या करना है, 2 चम्मच अरंडी का तेल लेना है, साथ में आपको 2 चम्मच मेहंदी का तेल लेना है, और गाइस यहाँ पे साथ में आपको लेना है जैतून का तेल की 2 बूंदे। आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है और आईब्रो पेंसिल की सहायता से आपको अपने आईब्रो पर हल्के हल्के हाथों से मिश्रण इस मिश्रण को आपको लगा लेना है। ओके, कुछ दिनों में ही आपकी जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। ओके गाइस, आप यहाँ ध्यान रखिए को आपको जहाँ पर आईब्रो एरिया है ओनली वहीं पर ही इसे यूज़ करना है। अगर आप और भी जगह यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपके फेस पर छोटे छोटे से बाल आ जाएं, इसलिए आपको अच्छे से इसे लेना अच्छे से यूज़ करना है। ओके गाइस, तो अब तक मैंने जो भी आपको टिप्स बताया है वो एकदम नेचुरल है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन गाइस अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन को एलोवेरा जेल जो होता है वो कभी कभी सूट नहीं भी होता है। इसलिए आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए एंड रिज़ल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। अब तक के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।